और सांसद महोदय यहाँ पर भाषण देती है, ये जोगिंदर नगर भी गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार से जो है वो जोगिंदर नगर के लोगों का अपमान करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी चूक की है। हमने कलंक कलंक लगा दिल अभी भरा नहीं, उनको लग रहा है जाने वाला है काम, अब दिल कहाँ भरेगा, भरने देंगे ही नहीं सुखू जी। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सत्ता से दिल भरने से पहले ही उनकी सरकार की विदाई हो जाएगी। सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री की कोई भी हसरत पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो यह गाते फिर रहे हैं कि दिल अभी भरा नहीं। यह तंज उन्होंने जोगिंदर नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलने के लिए आतुर रहते हैं और यह उनकी विवशता भी है, क्योंकि उनकी ही पार्टी की सरकार में उनकी नहीं चल रही है। दिल अभी भरा नहीं, उनको लग रहा है जाने वाला है काम, अब दिल कहाँ भरेगा, भरने देंगे ही नहीं सुखू जी। जिस तरह से वो चाह रहे थे कि सत्ता का आनंद लेंगे, सत्ता का पूरा उपयोग करेंगे, वो स्थिति, क्योंकि वो मेरे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं हर बार, उनको कोई चीज चाहिए बोलने के लिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये दिल भरेगा नहीं, उससे पहले ही जो है वो चले जाएंगे, यानी कि सत्ता चले जाएगी, हाथ मेरा कहने का अभिप्राय है। और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को तैयार रहना है आने वाले समय के लिए, जो भी चुनौतियां हमारे सामने होंगी उनका सामना करेंगे। हमारे सामने लक्ष्य सिर्फ एक है कि दुनिया के सबसे बड़े मजबूत नेता को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी। तो सारी चीज के लिए हमको काम करना है। विधानसभा के चुनाव में जो साथ चले उनको तो चलाना ही है, लेकिन जो साथ नहीं चले उनमें से भी उनका भी सहयोग लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारी एक परंपरा हमने 2014 में भी बनाई और 2019 में भी बनाई, चारों की चारों सीटें हमने दी हैं हिमाचल प्रदेश से, अब की बार भी हिमाचल का योगदान नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शत प्रतिशत रहना चाहिए, उसके लिए हम सबको काम करना है। उन्होंने कहा कि समय से पहले कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद भाजपा के हर कार्यकर्ता को तैयार रहना होगा। अभी हम सभी के समक्ष एकमात्र लक्ष्य यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश की बागडोर सौंपनी है। इसके लिए कार्यकर्ता जी जान से मैदान में डट जाएं और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और आजकल यहाँ पर कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं, और जो कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं अभी, मुझे इस बात को लेकर के जोगिंदर नगर में आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत सचमुच में बहुत पीड़ा हुई एक शब्द सुनकर के। यहाँ पर सांसद महोदय आई थी और सांसद महोदय यहाँ पर भाषण देती है कि जोगिंदर नगर भी गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है वो जोगिंदर नगर के लोगों का अपमान करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी चूक की है हमने। कलंक लगा, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, बिक गए, कलंक लग गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई और परिस्थिति नहीं हो सकती। आपका विधायक नहीं जीत पाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये आने वाले समय का दौर जब आएगा उस वक्त बातें होंगी। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।